हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं क्लेव हूँ 625 एमजी टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका यूज, साइड इफेक्ट और इसका एमआरपी के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में हम ये बात करेंगे कि यह दवा किसको रिएक्शन करता है और किन मरीजों को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। दोस्तों, क्लेवम 625 एमजी यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का घाव जैसे फोड़ा, फुंसी या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू चोट लग जाती है उसमें इस दवा का यूज ज़्यादा किया जाता है गाइज। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया और खांसी जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब चलिए इसका क्लेवम 625 एमजी टैबलेट का रिव्यू करता हूँ। ये आप देख रहे हैं क्लेवम 625, यह 10 टैबलेट का स्ट्रिप आता है गाइज। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि यह एक ब्रांडेड मेडिसिन है जो कि एक इसका जेनरिक भी आता है, लेकिन यह एक ब्रांडेड मेडिसिन है। यह कहीं भी आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कभी भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखते हैं वह ब्रांडेड मेडिसिन ही कभी भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जेनरिक मेडिसिन को कभी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यह एक एंटीबायोटिक है और यह एक ब्रांडेड मेडिसिन है। अब हम इसका प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी 10 टैबलेट का या फिर एक स्ट्रिप का एमआरपी इसका 201 रुपया है। दोस्तों, समय के साथ एमआरपी बढ़ते और घटते रहता है। अब हम इसका कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यह किन किन केमिकल से मिलाकर इसको बनाया गया है। इसमें मिला हुआ है एमोक्सिसिलिन जो कि 500 एमजी मिला हुआ है, और दूसरा क्लेवेनेट एसिड जो कि 125 एमजी इच फिल्म कोटेड में मिला हुआ है। अब हम इसका मैन्युफैक्चर के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। इसको मैन्युफैक्चर करती है अल्केम लेबोरेटरी जो कि भारत की बहुत अच्छी कंपनी है, और इसका सेल बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह ब्रांडेड मेडिसिन है, इसलिए क्लेवम 625 एमजी टैबलेट। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि यह दवा को किन किन कंडीशन में डॉक्टर यूज करते हैं। किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने पर उसे ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। किसी के यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे यूज करते हैं। किसी के त्वचा या फिर गिर कर चोट लग जाए उसे ठीक करने के लिए इसे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। किसी के हड्डियों में चोट लग जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए उसे ठीक करने के लिए इसे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। किसी के नाक या फिर कान में इन्फेक्शन हो जाए उसे ठीक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अब हम इसका यूज के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसको लेना है। यह दवा उन्हीं लोग के देना है जो 18 साल से प्लस है, मतलब 18 साल से उसका उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि यह दवा किन लोगों को नहीं देना है। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसे नहीं देना है, 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को इस दवा को नहीं देना है, मतलब 18 से कम एज या छोटा बच्चा को इस दवा को नहीं देना है। जिसको गुर्दों से रिलेटेड या फिर कुछ बीमारी हो तो उसे इस दवा का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका अचूक फायदे के बारे में। इसका अचूक फायदा है पेशाब के रास्ते में जलन दे रहा है उसे ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जिनको कान या नाक में इन्फेक्शन हो गया उसे ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, घाव या फिर फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह एंटीबायोटिक दवाई है, इसका बहुत सारे काम होते हैं और बहुत अच्छा यह काम भी करता है। अब हम इसका साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो अंग्रेजी दवा में हर एक का साइड इफेक्ट होता ही है, तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है। अगर आप इस दवा का यूज कर रहे हैं तो आपको दस्त, उल्टी, जी मिचलाना इत्यादि ये सभी हो सकता है। अगर आपको ऐसा होता है तो इस दवा को छोड़ दें या फिर डॉक्टर से जाकर मिलें। यह दवा का यूज करने से पहले अपना डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। तो अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।